गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करते हैं हमारी वीडियो नंबर 16, क्लास 11th। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम अब तक की जो हमारी प्रीवियस क्लासेस जो भी हो रही थी, जो भी आपने वीडियो नंबर 13, 14, 15 जो कल वाली जो वीडियो थी वो सबको आपने रीड किया, तो उसमें मैं आपको एरर्स पढ़ा रहा था, त्रुटि के बारे में पढ़ा रहा था। और कल जो हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था निरपेक्ष त्रुटि के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बेटा? निरपेक्ष त्रुटि के बारे में कल हमने जानकारी ली थी और पढ़ाई की थी, हमने विस्तृत अध्ययन हमने किया था निरपेक्ष त्रुटि के बारे में। तो आज अगर हम बात करें कि भाई निरपेक्ष त्रुटि के बाद आती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, इन सभी को हम कैसे निकालेंगे, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, यहीं पर सब कुछ आपको क्लियर करा दूंगा। तो ध्यान दें, निरपेक्ष त्रुटि के बारे में मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था और आज वापस से मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। तो किसी भी वस्तु के व्यक्तिगत मान और उसके वास्तविक मान में आने वाला अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, ठीक है ना। तो निरपेक्ष त्रुटि को हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा? डेल्टा ए से, बराबर व्यक्तिगत मान को ए से, और उसके वास्तविक मान को हम किससे व्यक्त करते हैं? ए एम से। आ रही बात समझ में? किससे व्यक्त करते हैं? ए एम से। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, सिखाई थी, पढ़ाई थी। देखिए एक बार, एक मिनट रुकिए। हाँ बच्चों, बीच में हुई असावधानी के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, एक कॉल आ गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। निरपेक्ष त्रुटि, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी भौतिक राशि के मान में उत्पन्न निरपेक्ष त्रुटि उस वस्तु के व्यक्तिगत मान और उसके वास्तविक मान में आने वाले अंतर के कैसी होती है? बराबर, इसी के साथ साथ के बराबर होती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको यह बताया था कि जो बेटा निरपेक्ष त्रुटि होती है ना, उसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या ले लेते हैं बेटा? उसका परिमाण। कल भी मैंने आपको बताया था, अगर मान लीजिए अंतर आपका नेगेटिव भी आ रहा है ना, तो आप उसका परिमाण ले लीजिए। परिमाण लेते वो नेगेटिव वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ये परिमाण ले लिया ना मैंने, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको सिखा दी थी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ वैल्यूज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं हमारे पास। कैसे आ जाती हैं? बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज़ निकालने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि उन बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ की निरपेक्ष त्रुटि आप कैसे निकालोगे। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये कोई जल है, ठीक है, ये जल है बेटा। इस जल का ये कोई भी एक बकेट है, इसमें कोई भी पानी भरा हुआ है जिसे हम कहते हैं H2। अब एस जल का हमने क्या ज्ञात किया है? अपवर्तनांक ज्ञात किया है। क्या ज्ञात किया है बेटा? अपवर्तनांक। तो इसके हमने इतने सारे अपवर्तनांक निकाले कि हमें पता ही नहीं है। तो हमने इस जल के n अपवर्तनांक ज्ञात किए हैं, यानी कि पता नहीं है हमें, इन्फिनिटी नंबर है, n हमें मालूम नहीं है, अननोन नंबर हो गया, कितने निकाले। तो साहब जब आपको एसोसिएशन क्या आ गई कि जल है, जल के आपने अपवर्तनांक दे रखे हैं आपको दुनिया भर के, है ना। अब आपको पता नहीं है वो कितने हैं, 100 अपवर्तनांक निकालें, 200 निकालें, 300 निकालें, 400 निकालें, 500 निकालें, कितने निकालें, यानी कि अननोन नंबर, इसलिए आपने उसको क्या मान लिया? एन अपवर्तनांक निकाले ना। तो आप उनकी सीरीज कैसे बनाओगे कि सर जल के जो व्यक्तिगत अपवर्तनांक है वो μ1 μ2, अपवर्तनांक को ध्यान रखना μ से व्यक्त करते हैं, और μ क्या होता है? ये यू बनाइए, इसकी एक कान को पकड़कर यूं खींच दीजिए, दूसरे कान को पकड़कर यूं खींच दीजिए, इसको हम बोलते हैं μ। क्या बोलते हैं बेटा? μ। और जल का जो अपवर्तनांक होता है ना, उसको हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा? μ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये जल है, इसके आपने कितने अपवर्तनांक ज्ञात किए? n अपवर्तनांक ज्ञात किए। तो आप क्या लिखोगे? पहला अपवर्तनांक μ1, दूसरा μ2, तीसरा μ3, ... कहाँ तक निकाले आपने? n तक। तो n वो अपवर्तनांक क्या होगा बेटा? μn ही तो होगा। अब इसके बीच में चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, 1000, 2000 जितने भी आप निकालें, लेकिन लास्ट में जो अपवर्तनांक कितना है? μn, जो कि कैसा है? अननोन नंबर है। आ रही बात समझ में भाई? जैसे अगर वो कह देता 6 है,
छह अपवर्तनांक है, तो आप लिख देते भाई म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर, म्यू फाइव, म्यू सिक्स। अब इसकी अगर निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी होती तो आप इसका क्या निकाल लेते, वास्तविक मान। और वास्तविक मान कैसे निकालते, इन सभी का योग करके कितने का भाग देते, छः का दे देते ना, जो मैंने आपको कल बता दिया। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी उल्टी है, यानी कि अलग है, उल्टी तो खैर क्या कह सकते हैं, अलग है। और अलग कैसी है कि सर ये हमारे पास जल है, इसके हमने इतने सारे अपवर्तनांक निकाल दिए कि हमें नहीं पता, यानी अननोन नंबर तक निकाले ना, एन अपवर्तनांक निकाले। तो सर अब इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने मान लिया कि साहब अपवर्तनांक पहले का, पहला अपवर्तनांक म्यू वन, दूसरा म्यू टू, तीसरा म्यू थ्री, म्यू फोर, म्यू फाइव, म्यू सिक्स, पता नहीं सर जाने कितने निकाले, तो लास्ट वाले को हमने कितना मान लिया, म्यू एन। अब समस्या ये आ रही है कि सर इसकी निरपेक्ष त्रुटि को हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो आ रही ना समस्या, तो आओ आपको सिखाते हैं। निरपेक्ष त्रुटि को ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, व्यक्तिगत मान में से वास्तविक मान को घटाइए, व्यक्तिगत मान में से वास्तविक मान को घटाइए, यही तो होता है, होता ही नहीं होता है, व्यक्तिगत मान में से वास्तविक मान को घटाइए, व्यक्तिगत मान में से वास्तविक मान को घटाने पर जो अंतर प्राप्त होता है वही आपकी क्या होती है, निरपेक्ष त्रुटि, है ना। अब अगर सर डेफिनेट नंबर होता, डेफिनेट नंबर का मतलब निश्चित संख्या अगर होती, सर पांच अपवर्तनांक होते, छह होते, सात होते, आठ होते, दस होते, कोई भी होते, तो हम क्या करते, सभी का योग करके जितने अपवर्तनांक उनका भाग दे देते और वास्तविक मान निकल कर आ जाता। लेकिन अब यहां पर तो कहानी उल्टी पड़ रही है ना, कहानी उल्टी कैसे पड़ रही है कि साहब एन अपवर्तनांक निकाले, अब हमें क्या पता कितने निकाले, तो इनका वास्तविक मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। वास्तविक मान निकालने का सूत्र वही औसत मान या माध्य मान के बराबर होगा, औसत या माध्य मान के बराबर होगा। और औसत या माध्य मान क्या कहता है, राशियों को एक बटे राशियों की संख्या। तो आप कैसे लिखोगे, म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि म्यू थ्री के बाद आने वाले सभी अंक, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, जितने भी आप निकालें, प्लस लास्ट में कितना लिख दिया आपने, म्यू एन, एन अंक हो गए ना। तो ये तो गए राशियों का योग, बटे राशियों की संख्या, कितने अपवर्तनांक निकाले आपने, एन, तो उसका आप क्या दे दोगे बेटा, भाग, दे दिया आपने भाग, दे दिया ना, ठीक है। तो ये जो भी मान आ रहा है ये कितने के बराबर आ रहा है, वास्तविक मान। अब वास्तविक मान आप किसका निकाल रहे हो, अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक को किससे व्यक्त करते हैं, म्यू से, और वास्तविक मान है तो नीचे सर फिक्स में क्या लगा दोगे, म्यू एन। तो एन अपवर्तनांकों का वास्तविक मान निकल कर आ गया आपके पास, ये निकल कर आ गया। अब भौतिकी हमें कभी भी इतना बड़ा समीकरण लिखने की इजाजत नहीं देती, वो कहती है इसको छोटा करो, तो छोटा कैसे करेंगे, आ जाइए देखो, म्यू एन, अब पता है मैंने माध्यम इस वास्तविक मान को म्यू एन से क्यों व्यक्त किया है, क्योंकि मैं निकाल के आ रहा हूं अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को किससे व्यक्त करते हैं, म्यू से। अब ये वास्तविक मान है या जिसको हम माध्य मान के बराबर कहते हैं, तो माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन, तो मीन का मैंने क्या ले लिया, एम, तो इसलिए इसको मैंने म्यू एम से व्यक्त कर दिया, ठीक है ना। कहीं ये मत सोचना साहब यहाँ पे तो ए एम है और यहाँ पर आपने म्यू एम लिख दिया, अब जिस राशि को जिससे व्यक्त करें वो लिखना पड़ेगा, ठीक है, म्यू एम बराबर में। अब देखो बेटा, म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू थ्री, सभी में प्लस का चिन्ह आ रहा है ना, तो सभी अंक जुड़ रहे हैं कि नहीं भाई, राशियों का योग, सभी राशि जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा योग के लिए हम सिग्मा का चिन्ह या समेशन का चिन्ह उपयोग में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेते हैं ना, तो हमने यहाँ पे ले लिया बेटा सिग्मा का चिन्ह ले लिया। सीरीज कितने से स्टार्ट हो रही है बेटा, एक से, कहां तक जा रही है, एन तक, तो मैंने यहां पे लिखा आई बराबर एक, आई से बना इनिशियल, अपन लिखते हैं ना इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, है ना। तो बेटा प्रारंभिक मान कितना है, एक ही तो है, तो उसको हम आई बराबर कितने से लिखेंगे, एक से ही तो लिखेंगे, तो आई का मतलब इनिशियल यानी कि प्रारंभिक मान, तो आई बराबर कितने से शुरू कर रहे हैं, एक से, आई बराबर एक, शुरू कहां से हो रहा है, एक से, कहां तक जा रहा है, एन तक, तो प्रारंभिक नंबर हो गया बेटा एक और अंतिम नंबर हो गया एन। तो आपने देखा कि भाई समेशन का चिन्ह यूज में क्यों लिया, क्योंकि सभी जगह क्या लग रहा है, प्लस, यानी सभी राशियों का योग हो रहा है, इसलिए आपने क्या ले लिया बेटा, समेशन या सिग्मा का चिन्ह उपयोग में ले लिया। शुरू कहां से हो रहा है, एक से, तो आई बराबर एक से, खत्म कहां हो रहा है, एन पर, तो जहां खत्म होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, लिखते हैं ना बेटा, सिग्मा का मतलब योग हो रहा है, किसका योग हो रहा है, अपवर्तनांक का, तो अपवर्तनांक को म्यू से तो व्यक्त कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, और इसके सरफिक्स में लगा देंगे हम आई, आई का मतलब एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, डॉट डॉट डॉट, कहां तक जा रही सीरीज, एन तक जा रही है ना, बटे में
क्या चल रहा है एन, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक बटे में एन, भाई एन बटे में तो है तो इसको मैं एक बटे में एन गुणा में सिग्मा आई बराबर एक से लेके एन तक, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे म्यू आई। तो ये मान आपका किसका आ गया बेटा, म्यू एम का। ठीक है, अब सूत्र क्या बनेगा आपके पास, निरपेक्ष त्रुटि। तो डेल्टा किस में निकाले, निरपेक्ष त्रुटि अपवर्तनांक में निकाल रहे हो ना, तो डेल्टा म्यू बराबर वास्तविक मान क्या बनेंगे बेटा, सॉरी व्यक्तिगत मान क्या बनेगा म्यू माइनस वास्तविक मान क्या आ रहा है आपके पास म्यू एम। तो जल के अपवर्तनांक के लिए आपके पास निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र बन जाएगा डेल्टा म्यू बराबर में म्यू माइनस म्यू एम। अब आपको पता है निरपेक्ष त्रुटि का भी नेगेटिव नहीं आती, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लाने के लिए हमने क्या ले लिया, परिमाण ले लिया कि नहीं ले लिया, ले लिया। तो बेटा मैंने इस वीडियो में केवल ये चीज समझाने का प्रयास किया है कि अगर नंबर कैसा हो इनडेफिनेट, जिसका आपको जानकारी नहीं है कि आपने कितने लिए हैं, जैसे कि एन अननोन नंबर ले लिया ना, तो उसका माध्य कैसे निकालोगे, तो उसका माध्य ये लगा दिया आपने। अब इसको छोटा कैसे किया भाई, प्लस प्लस लग रहा है तो हमने सिग्मा का चिन्ह यूज में ले लिया। अब यहां पे लिखते हैं हम प्रारंभिक मान एक से शुरू हो रहा है, यहां पे लिखते हैं हम अंतिम मान एन से शुरू हो रहा है। अब बेटा सिग्मा लग रहा है, सिग्मा का मतलब योग हो रहा है ना, योग हो किसका रहा है, सभी अपवर्तनांकों का। अपवर्तनांकों किससे व्यक्त करते हैं, म्यू से। अब आप कहोगे सर आपने सरफिक्स में आई क्यों लगाया है, आई का मतलब क्या है कि भाई जैसे आपसे कोई कहे कि चौथे अपवर्तनांक को निकालिए, कौन से अपवर्तनांक को निकालिए, चौथे को, तो पता है आप कैसे लिखोगे सिग्मा, ठीक है ना, आई बराबर एक, अंतिम अंक कितना हो जाएगा चौथा ही तो पूछ रहा है, तो एन की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं चार, म्यू अपनी जगह पर है और आई के नीचे क्या जाएगा चार, तो बताओ चौथे अंक आया कि नहीं आया। आगे आपसे कोई कहे कि 756वें अपवर्तनांक को मान, 756वें अपवर्तनांक का मान ज्ञात करो, तो आप पता कैसे लिखोगे, सिग्मा की जगह पर सिग्मा, आई की जगह पर एक, एन की जगह पर क्या लिख दोगे 756, म्यू की जगह पर म्यू और आई की जगह पर क्या लिख दोगे 756। तो ये कौन सा मान हो गया बेटा, 756 वह मान हो गया, ठीक है ना, इसलिए हमने लिख दिया। बटे में क्या चल रहा है n, देखो ये थोड़ा सा मिट गया है, बटे में क्या चल रहा है बेटा n, तो आपने n लिख दिया। अब इस n को मैंने बाहर निकाल दिया, एक बटे में गुणा में ये वाला पद लिख दिया। अब ये क्या आ गया बेटा आपका वास्तविक मान, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर आपके पास नंबर अननोन हो तो आप आसानी से इस टाइप से उसकी निरपेक्ष त्रुटि को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो देखा भैया इसमें थोड़ा सा आप घबराएं नहीं और माइंड को थोड़ा सा विकसित करें, आप फैलाएं अपने दिमाग को और फिर ध्यान दें, किताब आपके पास होगी ही, किताब में से बरकरार आप देखते चलें, ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इतने गजब तरीके से बताऊंगा, एक बार में कह दोगे सर आनंद आ गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। कैसे समझोगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि की परिभाषा क्या होती है आप खुद बोलोगे, ठीक है, समझते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि की परिभाषा क्या होती है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि की परिभाषा होती है कि किसी भी भौतिक राशि के मान में, किसी भी भौतिक राशि के मान में जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां प्राप्त हो रही हैं, किसी भी भौतिक राशि की जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां प्राप्त हो रही हैं, उन सभी निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाण का औसत, उन सभी निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाण का औसत क्या कहलाता है बेटा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहलाएगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। सुन लीजिएगा एक बार वापस से, कि किसी भी भौतिक राशि की जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां प्राप्त हो रही हैं, उन सभी निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाण का औसत मान माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो देखिए
कैसे समझेंगे आप इसको, हम आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक्चुअली मैं चौक को ढूंढ रहा हूं और चौक मुझे मिल नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, टुकड़ों से काम चला लेता हूं, आज चौक की कमी है। हाँ भाई, मैंने कहा कि मान लीजिए ये कोई मेरे पास कोई भी एक बर्तन है और हम हमारे इस बर्तन में दूध कोई भर लेते हैं, भर लिया। फॉर एग्जाम्पल इसके 6 फेंट मैंने निकाली, पहली को A1 से व्यक्त कर रहा हूँ, दूसरी को A2 से, तीसरी को A3 से, चौथी को A4 से, 5 निकाल लिया, बड़ा हो जाएगा A5। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करोगे निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात करोगे, निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र होता है मोड ऑफ डेल्टा ए बराबर व्यक्तिगत मान माइनस वास्तविक मान, है ना, हो गया। अब वास्तविक मान कैसे निकालोगे, AM बराबर में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 बटे में A6। तो AM यानी वास्तविक मान, माध्यमान ही तो होता है, तो राशियों के बटे राशियों की संख्या। अगर अब आप पहले मान में त्रुटि ज्ञात करोगे तो क्या करोगे बेटा, डेल्टा A1, प्रथम मान में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा A1 बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास, पहला वास्तविक पहला व्यक्तिगत मान कितना रहा A1 माइनस वास्तविक मान AM। तो इसके जो पहला मान है उसमें कितनी त्रुटि आ रही है, उसका सूत्र क्या बनेगा, मोड यानी कि मॉड्यूलस, कल मैंने आपको बताया था मोड ऑफ डेल्टा A1 बराबर में पहले व्यक्तिगत मान में से वास्तविक मान घटा देंगे। दूसरा निकालोगे तो डेल्टा A2 बराबर में A2 माइनस AM, दूसरी निरपेक्ष त्रुटि आ गई दूसरे मान की। तीसरे मान की निरपेक्ष त्रुटि निकालोगे तो डेल्टा A3 बराबर में तीसरे व्यक्तिगत मान में से वास्तविक मान को घटा दोगे। ऐसे ही चौथी डेल्टा A4 बराबर में AM, है ना, चौथे में निकालोगे A4 माइनस AM। पाँच भी निकालोगे बेटा तो डेल्टा A5 बराबर में A5 माइनस AM, और छठवीं की निकालोगे तो मोड ऑफ डेल्टा A6 बराबर में A6 माइनस AM। तो 6 के 6 मानों की मैंने निरपेक्ष त्रुटि निकाली कि नहीं निकाली, निकाल ली ना, विद एग्जांपल बता रहा हूं आपको, 6 के 6 मानों की निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली मैंने, निकाल ली। अब क्या करोगे आप, आपको ज्ञात करनी है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। परिभाषा मैंने क्या बोली कि किसी भी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाण का औसत मान, किसी भी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाण का औसत मान माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बराबर होता है। तो आप देखेंगे भौतिक राशि के रूप में हमारे पास क्या था, दूध था ना बेटा, इसकी कितनी निरपेक्ष त्रुटियां प्राप्त हुई आपको, 6, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं, 6 हुई है ना। इन सभी की सभी 6 निरपेक्ष त्रुटियों का परिमाण, परिमाण आपने ऑलरेडी ले रखा है मॉड्यूलस, जिसको मॉड्यूलस हिंदी में परिमाण बोल रहे हैं, ठीक है ना। इन 6 की 6 निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाण का औसत, यानी कि इन 6 त्रुटियों का क्या निकालेंगे बेटा, औसत जो निकालेंगे वो औसत इसकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालोगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर सूत्र क्या बना है, बराबर निरपेक्ष त्रुटि का माध्य, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य या औसत, यानी कि जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां हैं उन सभी का औसत निकाल लो, उन सभी का औसत माध्य निरपेक्ष त्रुटि के बराबर होगा। तो देखिए कितनी निरपेक्ष त्रुटियां ज्ञात की थी आपने, 6 का औसत निकाल लें, कैसे लिखोगे, मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस राशियों के बटे राशियों की संख्या, मोड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A4 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A5 प्लस मोड ऑफ डेल्टा A6। 6 राशियों के बटे राशियों की संख्या, कितनी संख्या है बेटा, 6, तो 6 का क्या लग जाएगा भाग। अब काटा पीटी करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर होगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि के। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि सर अगर आपको माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है तो आप उस भौतिक राशि की जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां हैं उन सभी के परिमाण, परिमाण का मतलब उन सभी के धनात्मक मान, ठीक है ना, उन सभी के परिमाणों का क्या निकाल लो, औसत। जैसे कि
मैंने ये छह मान लिए थे, छह की निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात की और उन सभी का क्या निकाल लिया, औसत। तो निरपेक्ष त्रुटि का जो औसत होता है वो माध्य निरपेक्ष त्रुटि के कैसा होता है बेटा, बराबर होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज मैंने आपको केवल और केवल अननोन नंबर की निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करना सिखाया, जैसे एन वाला इससे पहले, और मैंने आपको ज्ञात करना सिखाया है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। आप एक बार वीडियो को बार बार रिवर्स कर करके देखें और जो मेरे वर्डिंग्स हैं उनको ध्यान से सुने, उम्मीद करता हूं 100% आपके खोपड़ी में फिट बैठ जाएगी कहानी। ठीक है, अब आगामी चर्चा वो कल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।